full fire today. Madam. Hi. Happy birthday. Happy birthday. Thank you. To you. Great view. How are you feeling all? तो जब तक आप चढ़ोगे नहीं आपको खुद पता नहीं चलेगा इतना सारा मतलब सिंगापुर में आओ तो दिस इज अ मस्ट. तो अभी हम लोगों को जाना है सेंटोसा आइलैंड जो कि वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट प्लेसेस है सिंगापुर में. तो हम लोग जाएंगे केबल कार से. जनरली मतलब अच्छा है लाइक प्रिफर टू गो बाय केबल कार, यू कैन सी दैट. तो उसके लिए हम लोग को अभी जाना पड़ेगा माउंट फेयर स्टेशन से जहाँ से केबल कार विच स्टार्ट फ्रॉम फेयर. सो अभी वही लगा है माउंट फेवर कार पार्क BAC बोल के बहुत सारा कार पार्क है. तो हम लोग को बी में जाना है फिलहाल. तो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं और बाहर बारिश हो रही है. वी डोंट नो हाउ मच विल बी एबल टू सी दो वी हैव अम्ब्रेला विद अस, वी आर कैरिंग इट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सिंगापुर में आ रहे हो तो अम्ब्रेला दैट इज अ मस्ट कैरी आइटम. क्योंकि एक तो यहाँ पे धूप भी है और बारिश भी है और बारिश कब अचानक स्टार्ट हो जाएगी यू डोंट नो. सो इट्स ऑलवेज यू नो यू हैव टू कैरी दैट अम्ब्रेला आइदर टू सेव यू फ्रॉम द सन और जस्ट टू सेव यू फ्रॉम द रेन. तो चलिए फिर चलते हैं वहाँ पे. एंड तो सेंटोसा जाने के लिए आपको मोनोरेल भी मिलेगा, वो भी है और MRT भी है. बट एज वी हैव टेकन द कार्स वी प्रेफर टू गो टू द स्टेशन बाई कार एंड फ्रॉम देयर ऑब्वियसली वी वांट टू टेक दैट केबल कार. तो अभी हम लोग जा रहे हैं माउंट फेबर पार्क स्टेशन. तो वहाँ से हम लोग सेंटोसा आइलैंड केबल कार से जाएंगे. तो हम लोगों ने यहाँ पे कार पार्क बी में कार पार्क किया है, वो जो है कार पार्क भी दिख रहा है. एंड हियर वी आर गोइंग. प्रियंका इज इन फुल फायर टुडे. मैडम हाय, हैप्पी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे. थैंक यू. तो आज मैम का बर्थडे है. अच्छा ही जा रहा है एक्चुअली. हां, शी इज वेरी हैप्पी रोमिंग अराउंड इन सिंगापुर. या बहुत अच्छा है एक्चुअली. इट्स लुकिंग गुड. सो हियर वी आर ऑन द ट्रेल टू द माउंट फेबर पीक. सब आ रहे हैं. थोड़ा सा चढ़ाई है ये रोड तो इसलिए ये व्यू अच्छा लग रहा है. पापा मम्मी लोग ये देखिए, सी द व्यू. दिस इज द ट्रेल व्हिच वी हैव टेकन टू गो टुवर्ड्स द माउंट फेबर स्टेशन. रीच द फेबर पीक सो यू कैन सी बेस्ट हिल टॉप व्यूज इन सिंगापुर. सो आई थिंक हाँ ये ओ वाओ. I think I have to zoom in. Let's see the view over here, and that's the cable car that's going. Awesome views. Let's go. Let's also take the cable car. So this is the view from the Mount Faber peak. As you can see, the cable cars are going. You can see the sea over that side. It's a lovely view. Lovely view. So this is the entry for the cable car. Let's go in. Can you go from here? Yeah, I think we have to go from that side. So abhi start hua the cable car. Hum log sab ek hi jagah mein. It's a nice one, na? So at least 6 people can sit. Yeah. Here we go. Here we go. Great one, it's a great view. I don't know मैं कितना दिखा पा रहा हूँ, but it's a great view. How are you feeling all? कैसे लग रहा है? Nice, fantastic. View बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है actually. रोनी कैसा लग रहा है? Awesome, awesome. The view, I don't know, यहाँ से अंदर तो दिख नहीं रहा, but when we are seeing it, something else. Actually, problem हो गया, अभी बारिश हो रही है ना, तो पूरा जो ग्लास है वो हेजी हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा. पर ये देखो,
कितना ऊपर है हम लोग, कितना ऊपर है हम लोग समझ में आ रहा है। ये रोड से हम लोग गए अभी, नीचे जो रोड दिख रहा है। थोड़ा बारिश रुके तो ये ग्लास थोड़ा क्लियर होगा, नहीं तो समझ में नहीं आ रही है। Whenever hold window handle and slide up and down. Now we are going above the sea. So this was the harbor front station. पीछे में तो ये वहाँ से निकले हम लोग. So this is just going above the sea. You can see the next stop is Sentosa Station. So we have to basically get down at Sentosa Station. हम लोग गलती से harbour front पे उतर गए थे. But when you are coming, keep that in mind. Harbour front, not harbour front. बीच में स्टेशन आता है, हम लोग को नेक्स्ट वाला स्टेशन है सेंटोसा स्टेशन, वहाँ पे उतरना है क्योंकि वहाँ से सारे बीचेस एंड एवरीथिंग गेट्स स्टार्ट। एक्चुअली हम लोग अभी जिसमें चढ़े इसमें ये अनाउंस पीएस है उसमें नहीं था, इसमें वी गॉट कंफ्यूज, बट दिस इज जस्ट लुकिंग वाओ, जस्ट लुकिंग वाओ। सो हियर यू कैन सी सम पीहेंस रोमिंग अराउंड द सेंटोसा। हेलो, हे से हाय, हेलो, one more, hello madam, hello, hello. तो we changed at Imbia station क्योंकि हमें जाना था सिलोसा बीच पॉइंट, Imbia lookout, हाँ, so it was like Imbia lookout, तो हम लोगों को वहां से चेंज करना था, तो वहां से चेंज करके और एक लाइन स्टार्ट होता है, एक और माउंट फेवर लाइन और एक सेंटोसा लाइन। So we had to come to Sentosa line क्योंकि अभी हम लोग जा रहे beaches पे, we are going to Siloso point, वहाँ पे सारे beaches भी है। This is the Siloso beach, Siloso boardwalk है ये, और ये happening place है, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने बोला था, देर आर टू लाइन्स, वन इज़ माउंट फेवर लाइन एंड वन इज़ सेंटोसा लाइन। तो पहले हम लोग आए थे माउंट फेवर लाइन से, तो वहाँ पे आके एंड वी चेंज्ड, आपको चेंज करके जाना है सेंटोसा लाइन पे। तो वहाँ पे इम्बिया लुकआउट है, वहाँ पे आपका स्काई हेलिक्स से वो सब कुछ राइड मिलेगा, एंड देन वहाँ से आप जा सकते हो फिर से केबल कार लेके सिलोसो पॉइंट या मल्लान जा सकते हो। तो मल्लान पे यूनिवर्सल स्टूडियो वगैरह है एंड सिलोसो पॉइंट पे बीचेस है। देन आपको मल्लान से केबल कार नहीं है, पर मल्लान से वो मोनो रेल है जो कि है सेंटोसा एक्सप्रेस, वहाँ से आप जा सकते हो बीच स्टेशन जहाँ पे वो विंग्स ऑफ द टाइम शो होता है। तो हम लोग फिर से सिलोसो पॉइंट जा रहे हैं, वो स्काई हेलिक जो हम लोग आए थे वो बंद था। अच्छा सॉरी, इम्बिया लुकआउट पॉइंट जा रहे हैं फिलहाल। उधर देखो कुछ तो दिखाई दे रहा है, इट्स लुकिंग गुड एक्चुअली, स्काई लाइन। आई ट्राई टू शो हाउ मच आई कैन, एक्चुअली इसे समझ में नहीं आ रहा है, ये देख पा रहे, बहुत अच्छा लग रहा है ये सिटी, सिंगापुर आइलैंड, सेंटोसा आइलैंड एक्चुअली, यहाँ से वो सेंटोसा रिसोर्ट है जो दिखाई दे रहा है, मस्त लग रहा है एक्चुअली यहाँ से पूरा व्यू। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ये स्काई हेलिक्स राइड पे, जो कि सिंगापुर की सबसे हाईएस्ट पैनोरामिक व्यू राइड है, आपको ऊपर से एकदम पूरा आइलैंड दिखता है।
So finally we were able to ride the sky helix. We should thank God that the rain won't stop. So pehle hum log aaye the but we couldn't ride it because of the rain. It was temporarily suspended. But hum log phir se wapas aaye is ride ko enjoy karne ke liye. So chaliye dekhte hain. All right guys, a very good evening and welcome aboard to the sky routine. So I give you guys a full view of the island. Looking wow. We are just hanging, you can see. ये ऐसे हम लोग झूल रहे हैं, बहुत ही मजा आ रहा है. You can see that. बहुत ही अच्छा लग रहा है. एकदम ऊपर पहुंच गए. तो जब तक आप चढ़ोगे नहीं आपको खुद पता नहीं चलेगा इतना सारा. मतलब सिंगापुर में आओ तो दिस इज अ मस्ट. मोनो रेल नाउ. वी हैव कम टू मरलाइन थ्रू केबल कार और मरलाइन से अभी ये बीच स्टेशन जाने के लिए वी हैव मोनो रेल. दिस इज द मोनो रेल. तो अभी हम लोग आए हैं विंग्स ऑफ द टाइम शो देखने. तो हम लोग बैठे हैं प्रीमियम सीट्स पे, सो जो कि है 24 सिंगापुर डॉलर. और सामने वाला जो सीट है वो है स्टैंडर्ड सीट, जो कि जो आप देख रहे हो बैक रेस्ट कुछ भी नहीं है. तो लेट्स वेट. सुना है ये बहुत ही फेमस शो है. नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सॉन्ग. सो कॉवर्ड, दे वोंट नोटिस वी आर गॉन एंड आई जस्ट वांट टू हैव अ लुक एट दिस स्ट्रेंज स्टोन्स. वेल, थैंक्स टू माय विंग्स ऑफ टाइम ऑफ कोर्स. Oh, of course. Look at that. We're reaching Britain in the 19th century. It's going to
सो वी आर डन विद सेंटोसा आइलैंड. तो बहुत ही अच्छा था. वहाँ पे एक चीज़ है, विंग्स ऑफ द टाइम, इट्स जस्ट मस्ट वॉच शो, मस्ट वॉच, डोंट मिस दैट. उसके लिए अलग से बुकिंग करनी पड़ेगी टिकट की, पर दैट इज सेकंड एडवाइस. हाँ प्लीज, कहीं पे पानी नहीं है और वहाँ पे जो मतलब हमें तो नहीं दिखा, हम लोग को नहीं दिखा, हम लोग नहीं थे, जितने भी आउटलेट से वहाँ पे पानी नहीं दिखा, भरने के लिए भी नहीं है. ट्राई एंड कैरी, आई डोंट नो, वी माइट हैव मिस्ड आउट, बट हमें तो दिखाई नहीं दिया, तो हमारा तो बहुत प्रॉब्लम हुआ. हम लोग एक ही बॉटल लेके गए थे तो वो पूरा खत्म हो गया, फिर हमें कहीं पर भी पानी नहीं मिला, हमें तो नहीं दिखा. तो वहाँ पे सारे बेवरेजेस वो सब बहुत कुछ था, पर पानी तो किसी के पास भी नहीं था, लोग जहाँ पे भी दिखे, तो दैट इज अ प्रॉब्लम. पर वही विंग्स ऑफ द टाइम मस्ट वॉच और स्काई हेलिक्स ट्राई करना, जो हम दिखा चुके, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मजा आएगा उसमें. तो ओवरऑल इट वॉज नाइस एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा था. या तो नाउ वी आर गोइंग टू अवर पार्किंग एक्चुअली, तो वही जा रहे जहाँ से आए थे. So this is the famous Clark Fair. So it's a happening place. There are lots of discos around in that place. और ये एक river bay का side में है. Lots of eating joints, restaurants. So we are trying to celebrate Priyanka's birthday dinner in one of these restaurants. Let's see where we go. Nicely decorated, very happening place actually, to be precise, as you see. Very happening place. So it's a Clark Square. So we are going around the Clark Square. It's a very nice place. Nicely decorated. Here we are at Clark Square. Yahan pe hum log aaye hain Grand Konark Restaurant. So we have come here to celebrate Priyanka's birthday dinner. तो हम लोग एंड कर रहे हैं अपना डे डिनर से ही. एंड यू कैन सी द व्यू हियर, बहुत ब्यूटीफुल है, यू कैन शो द व्यू, बहुत ही अच्छा है, रिवर के पास है, जस्ट ऑन द बे, वेरी नाइस व्यू. सो लेट्स हैव अ डिनर. तो डिनर बहुत ही कुछ अरबियन और लेबनीज, ये है टर्किश और लेबनीज, मंडी चिकन, मंडी चिकन, ये शवरमा रैप, और भी कुछ कुछ है जो आ रहा है, कुछ आइटम है, लुकिंग वेरी डिलीशियस. चलिए खाते हैं, अब एंजॉय करते हैं. ये लोग खाने का वेट कर रहे हैं, इन लोग अभी तक मिला नहीं ये खाना. ओके, सब वेट कर रहे हैं. एंड यू कैन सी द व्यू हियर, बहुत ही अच्छा है. तो रिवर के पास ही सारा रेस्टोरेंट्स है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा है लग रहा है. और ये आ गया हमारा और एक खाना, क्या था वो? चिकन तंदूरी पिद्दे, विच इज अ टर्किश आइटम. This is a chicken wrap. Chicken shawarma. Sorry, chicken shawarma. So, ये हो रहा है प्रियंका का final round of cake cutting. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Priyanka. Happy birthday to you. Hey.